तो लखनऊ के लेवाना सूट में हुए अग्निकांड को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश की हर बड़ी इमारत की जांच होगी, होटल हो या फिर हॉस्पिटल, सबकी जांच हो रही है। वहीं केजीएमयू में हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि हड़तालियों की सभी मांगे मान ली गई, वित्त विभाग से बात करके आदेश जल्द ही जारी होगा। तो केजीएमयू के हड़तालियों को लेकर भी डिप्टी सीएम ने यहां बयान दिया और कल जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ उस पर भी ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेवाना होटल में जिस तरीके से आग लगी और चार लोगों की जान चली गई, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि प्रदेश के सभी होटलों की जाँच होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस प्रकार के सभी बिल्डिंग जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, चाहे होटल हो या हॉस्पिटल्स हो, मानक के अनुसार ही अब चल पाएंगे, उनकी जांच की जा रही है और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ऐसे स्थानों पर मानक सभी पूरे किए जाएं। अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने एनओसी दे दी? सभी पर कार्रवाई होगी और जाँच रिपोर्ट आने दीजिए, वेट करिए, कड़ी कार्रवाई होगी। केजीएमयू में शिक्षक संघ के लोग क्यों? मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया, उनकी जो मांगे थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। सेवन पे मांग रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, अभी वित्त विभाग से बात चलकर उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लेवाना की जो घटना हुई उसके बाद प्रदेश में ऐसे जितने भी होटल हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं उन सब की जांच की जा रही है और साथ ही साथ जो भी दोषी अफसर होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। केजीएमयू में जो शिक्षक संघ की हड़ताल है उस पर उनका कहना है कि उनकी मांग मान ली गई है और जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, आईपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।